दुनिया में बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या कभी सुना है कि लाइब्रेरी हो और वो भी गधे के ऊपर। सुनने में ये लगता तो अजीब है, लेकिन ये सच है। जी हाँ, कोलंबिया से ताल्लुक रखने वाला लुइस एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है, जिसको अच्छी तरह से पता है कि उनके मुल्क में कितने ऐसे बच्चे हैं जो बगैर लिखने पढ़ने के बड़े हो रहे हैं। इसीलिए लुइस ने नॉलेज को उनके पास पहुँचाने का फैसला किया, जिसमे उनके दो गधों ने उनकी मदद की, जिसमे एक गधे का नाम है अल्फा और दूसरे का बेट यानी अल्फाबेट। इन गधों के ऊपर बुक्स रखकर लुइस रोजाना 5 घंटे का सफर करता है। लुइस के रास्ते में जंगल भी आते हैं और दरिया भी, लेकिन उनको जहाँ भी बच्चे मिले वो उनको पढ़ाने लगता है। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये बच्चे भी रोजाना लुइस का इंतजार करते हैं कि कब वो यहाँ पर आएंगे और हमें पढ़ने के लिए बुक्स मिलेंगे। क्योंकि फैसिलिटीज ना होने की वजह से इन बच्चों के लिए वहाँ पर ना तो कोई स्कूल है और ना ही कोई लाइब्रेरी जिनमें ये बच्चे अपनी मर्जी का बुक्स पढ़ सके। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।